अलैकुम क्लास, आज मैं लेक्चर 5 के बी पार्ट में, यानी कि लेक्चर 6 कह सकते हैं, लेकिन उसको मैं टॉपिक अलग नहीं करना चाह रहा, तो लेट्स स्टिल कॉल इट लेक्चर 5। उसके थर्ड पार्ट पे हम शामिल हुए। हम लोग बात कर रहे थे कॉस्ट की, हमने आईसी कॉस्ट की बात की पिछले लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि डिपेंडेबिलिटी क्या चीज़ है, इसको डिस्कस करेंगे। तो डिपेंडेबिलिटी क्या चीज़ है? डिपेंडेबिलिटी बेसिकली इसके कई मानी हो सकते हैं, और अगर मैं आपसे पूछूं कि डिपेंडेबिलिटी क्या है, तो लोग इसमें मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आप अंग्रेज़ी से काफ़ी आगाह हैं अगर आप कहते हैं ना कि कोई चीज़ डिपेंडेबल है। तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफाइंड, ठीक है, डिफाइंड या एक्सपेक्टेड कैपेबिलिटी या परफॉर्मेंस, ठीक है, तो एक एक्सपेक्टेशन होती है एक्सपेक्टेड या डिफाइंड, ठीक। तो टू व्हाट एक्सटेंट इट स्टिक्स टू दैट प्रॉमिस, ये आपकी डिपेंडेबिलिटी है। ये एक मैंने बड़ी रफ से डेफिनेशन दी है, लेकिन आप देखेंगे कि थोड़ा सा हम फॉर्मलाइज करेंगे। और इसका मतलब ये है कि आप रिलाय कितना कर सकते हैं, यानी कि द प्रोबेबिलिटी कि जी इट इज़ गोइंग टू नॉट फेल, ठीक है, दैट्स योर डिपेंडेबिलिटी। तो हम ये देख रहे हैं कि जिस जिस तरह से चिप्स जो हैं वो 16 नैनोमीटर से नीचे जा रहे हैं, और अभी 7 नैनोमीटर के तो कमर्शियली अवेलेबल हैं नैनोमीटर, लेकिन 4 नैनोमीटर पे भी काम हो रहा है, ठीक है। तो जिस तरह हम 16 नैनोमीटर से नीचे जा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि डिपेंडेबिलिटी के इश्यूज आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इन द चिप। दिस इज ट्रू फॉर ऑल आईसीज, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू एसएलएस, एसएलए क्या है? यह है सर्विस लेवल एग्रीमेंट, ठीक। अब ये बेसिकली दिस इज द वेंडर टेलिंग यू व्हाट दिस आई सी इज गोइंग टू डू, ठीक है, ये क्या करेगी। एंड उसमें सारी सी बात है कि ना सिर्फ ये, एक ऑपरेशनल कंडीशंस भी होती है मिसाल के तौर पर, ठीक है, हीट इन्वायरमेंटल कंडीशंस हो सकते हैं, टेम्परेचर होंगे, वोल्टेज रेंज होगी, वाइब्रेशन फैक्टर हो सकता है, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो वो कहता है कि इन अगर इन इस बाउंड्री के अंदर ये सारे के सारे फैक्टर्स रहेंगे, तो हम कहते हैं कि जी वी आर गोइंग टू गिव सम काइंड ऑफ गारंटी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, और सम काइंड ऑफ गारंटी इन टर्म्स ऑफ एरर रेट, सम काइंड ऑफ गारंटी इन टर्म्स ऑफ फेलियर रेट, ठीक है। तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं, तो उसके अंदर वो किसी किस्म की खास फॉल्ट टॉलरेंस बेस करते हैं। तो एज लॉन्ग एज यू आर वर्किंग अंडर दी प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस, तो इट शुड नॉट गो बियॉन्ड दिस थिंग। दिस इफ इट गोज बियॉन्ड द डिफाइंड रेट्स, देन यू हैव अ प्रॉब्लम विद डिपेंडेबिलिटी, बिकॉज यू कैन नॉट डिपेंड ऑन द डिवाइस, ठीक है। तो इसमें दो टर्म्स हैं, एक सर्विस अकम्प्लिश्ड है, एक सर्विस इंटरप्टेड है। ये टर्मिनोलॉजीज जो है, दे आर सॉर्ट ऑफ लीगल टर्मिनोलॉजीज जो कि एसएलएस के अंदर बहुत फीचर करती हैं, और आप जब मार्केट में जाएंगे तो ये लिए आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आप जब कोई भी डिवाइस या कोई भी चिप बना रहे होंगे फॉर अ वेंडर, या इवन आप वेंडर के लिए नहीं बना रहे, लेकिन आप एज अ प्रोडक्ट यू पुट आउट इन द मार्केट, तो आपके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आप किसी किस्म की यू हैव टू गिव दैट काइंड ऑफ गारंटी, अनलेस एंड अंटिल यू हैव अ मोनोपोली ऑन दैट प्रोडक्ट, देन द रूल्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज। तो अच्छा, लेट्स, तो ट्रांजिशन फ्रॉम 1 to 2 इज क्लासिफाइड एज फेलियर, व्हाट आर द सर्विस अकम्प्लिश्ड, एंड ये टर्म्स को मैं भी डिस्क्राइब करूंगा, और आपको आगे हम एक एग्जांपल देखेंगे तो सबको ये बहुत बेहतर समझ देंगे, सर्विस अकम्प्लिश्ड एंड सर्विस इंटरप्टेड। सर्विस अकम्प्लिश्ड को मैं भी रफली बताता हूँ, आगे ज़्यादा बेहतर समझेंगे। कि हम इमेजिन करेंगे यूजली कि एक चिप है जो कि कंटिन्यूसली ओवर टाइम काम कर रही है, एंड इट्स डूइंग वट एवर इट्स डूइंग, राइट, ठीक है, इट्स डूइंग नंबर ऑफ थिंग्स ओवर टाइम, एंड दैट मे ट्रांसलेट इन टू मैसिव आई ओ ऑपरेशन, दैट मे ट्रांसलेट इन टू मैसिव मैथमेटिकल ऑपरेशन, वॉट एवर, ठीक है, एंड इट्स डूइंग इट विद ए सर्टन लेवल ऑफ एक्यूरेसी, एंड दैट्स डूइंग ओवर टाइम, ठीक है।
तो जब तक वो काम कर रहा है तो हम उसे कहेंगे ये सर्विस अकम्प्लिश कंप्लीट है। ठीक, इसकी मैं एक एग्जांपल इस तरह से देते हैं कि अगर आपको याद हो कि हमारा जो बावर्ची था, जो MPI में हम जिसकी एग्जांपल बहुत देते थे, हमारा बोला बावर्ची है, हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी वो बिरयानी बनाएगा। बिरयानी बनाने में जो भी वो काम करेगा तो ऑल दोज स्टेप्स, ऑल दोज थिंग्स, तो हम ये चाहते हैं कि जी वो सुबह उठे और फिर एक बिरयानी बनाए, उसके बाद दूसरी बिरयानी बनाए, उसके बाद तीसरी बिरयानी बनाए, चौथी बिरयानी बनाए और शाम तक बिरयानियाँ बनाए। ठीक है, और जब तक वो ये बिरयानियाँ बना रहा है उस टाइम में जब हम उसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये सर्विस अकम्प्लिशमेंट की स्टेट है। अब अगर आप किसी भी पॉइंट इन टाइम में उसको देखेंगे तो वो ज़रूरी नहीं कि आप उस एक स्टेप को बिरयानी डिफाइन नहीं कर सकते, ये बिरयानी बना रहा है, मतलब ऑब्वियसली दैट इज़ कंट्रीब्यूटिंग। तो लेट्स से कि इसने एक बिरयानी बनाई जिसके अंदर 20 स्टेप है, फिर दोबारा बिरयानी बनाई जिसमें 20 स्टेप है, तो हर इंडिविजुअल स्टेप जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है टू मेकिंग दैट बिरयानी इन दैट सीक्वेंस। इसमें हो सकता है कि कुछ टास्क सिंगल हो, कुछ मल्टी टास्क हो रहे हो, कुछ साइमल्टेनियसली हो रहे हो, ठीक है, लेकिन ऑल ऑफ, और कुछ हो सकता है कि पाइपलाइनिंग भी हो, यानी कि जो बिरयानी इसने बाद में बनानी है उसकी चिकन जो है वो पहले मैरिनेट हो रही हो। ठीक है, तो इस किस्म की चीज़ें होंगी, बट इफ़ इट्स डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड द एंड रिजल्ट जो है वो ये है, इसकी कंट्रीब्यूशन ये है कि हमें चाहिए था कि 8 देंगे बिरयानी की चाहिए हमें एट द एंड ऑफ द डे, या 4 देंगे बिरयानी की चाहिए, तो वो हमें मिल रहा है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस इज अ स्टेट ऑफ सर्विस अकम्प्लिशमेंट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो अगर किसी भी पॉइंट में, तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ डायग्राम को, कि अगर किसी भी पॉइंट में ठीक है, तो मेरा प्रोसेस कंप्यूटर भी कुछ ना कुछ, या मेरी आईसी भी कोई काम कर रही है, एंड उसमें स्मॉल जॉब्स भी हो सकती हैं, लार्ज जॉब्स भी हो सकती हैं, मल्टीपल जॉब्स भी हो सकती हैं एट वन टाइम, और ये भी हो सकता है कि बी की जॉब हमने कहीं फिट इन की हुई हो जो अगली जॉब है। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है, ठीक है जी, बी 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 ठीक है, और हमने यहाँ पे सी की जॉब फिट इन की हुई है, एंड ऑल ऑफ दैट इज अ स्टेट ऑफ सर्विस अकम्पलिशमेंट। बिरयानी वाली मिसाल हमने दी थी अगर आपको याद हो, तो इमेजिन करें कि ये सारा काम चल रहा है, अचानक गैस की लोड शेडिंग हो जाती है, गैस बंद हो जाती है, या क्रिटिकली कुक ने माइक्रोवेव इस्तेमाल करना है और माइक्रोवेव जो है वो बिजली आना बंद हो जाती है, माइक्रोवेव नहीं चल रहा, या उसका एक असिस्टेंट था जो साथ में प्याज काट रहा था, वो असिस्टेंट गायब हो गया, कुछ भी, कोई भी ऐसा काम जो कि इस काम को रोक दे, इस काम को रोक दे, वो जो है क्या होगा, इंटरप्शन है, यानी कि कोई ऐसा काम हुआ किसी भी स्टेप पे जिसकी वजह से अब मतलब कोई भी, अब ये डेड डॉक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट इट्स समथिंग, एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ, आई मीन वी नॉट टॉकिंग रीजंस राइट नाउ, लेकिन समथिंग हैपेंस ड्यू टू विच ऑल वर्क हैज स्टॉप्ड, या सम, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल कि सम वर्क हैज स्टॉप्ड, बट इट्स गोइंग टू अफेक्ट द नेक्स्ट जॉब, इट्स गोइंग टू अफेक्ट फिनिशिंग ऑफ दिस जॉब और ओवरऑल जॉब, तो कोई भी ऐसा जो बीच में गैप आता है जिसकी वजह से आपका सर्विस अकम्पलिशमेंट की स्टेट अफेक्ट होती है, तो उसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ सर्विस इंटरप्शन। ठीक है, तो सर्विस अकम्पलिशमेंट, अक्सर मैं अकम्पलिशमेंट इसलिए कह रहा हूँ, ये थोड़ी सी मिसलीडिंग टर्म है, क्योंकि लोग इसको फिनिशिंग ऑफ अ जॉब के साथ, यानी कि जॉब अकम्पलिश्ड, जॉब फिनिश्ड, जब हम प्रोसेस की बात कर रहे होते हैं तो अमूमी तौर पे कोई सिंगुलर जॉब नहीं कर रहा होता, इट्स डूइंग समथिंग रिपीटेडली, आपने कंप्यूटर लगाया हुआ है, आपने प्रोसेसर लगा हुआ है, तो वो इट इज़ इन अ स्टेट ऑफ सर्विस अकम्पलिशमेंट। आपका अगर लैपटॉप भी है और बिल्कुल सही काम कर रहा है, यानी कि लेट्स से कि ए हैज़ नो एरर्स, नो फेलियर्स, नो इंटरप्शंस, एवरीथिंग इज हंकी डोरी फाइन, राइट, लेकिन हाउ वुड यू डिफाइन अकम्पलिशमेंट कि जी ये एक पॉइंट है विच इट हैज़ अचीव्ड, देयर इज नन। ठीक है, सो बेसिकली इसलिए हम बात करते हैं कि स्टेट ऑफ अकम्पलिशमेंट की, कि जितनी देर तक वो चल रहा है विदाउट इंटरप्शन, दैट इज अ स्टेट ऑफ अकम्पलिशमेंट। ठीक है, तो अच्छा ये बात समझ आ गई, अब अगर ये किसी पॉइंट पे इंटरप्ट होगा तो हो सकता है कि वो किसी पॉइंट पे इंटरप्शन खत्म हो जाए और फिर अगली टास्क जो है वो स्टार्ट हो जाए। ठीक,
तो ये अकम्पलिशमेंट की स्टेट है, इसको हमने वन कहा है, और ये हमारी इंटरप्शन की स्टेट है, इसको हमने टू कहा है, इसको हमने वन कहा है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये समझ आ रही बात? आई होप अगर समझ आ रही है, कि नहीं समझ आ रही तो फिर क्लास में हमसे पूछ लीजिएगा। नाउ जब कोई सिस्टम लेट्स से अकम्पलिशमेंट की स्टेट में है, लेट्स से कि ये लाइन जो है अकम्पलिशमेंट की स्टेट है, और वो इन टाइम इंटरप्शन की स्टेट पे चली जाती है, तो ये मेरी है अकम्पलिशमेंट और ये मेरी है इंटरप्शन। तो इट वॉज इन द स्टेट ऑफ अकम्पलिशमेंट एट वन इन टू स्टेट ऑफ इंटरप्शन। ठीक है, तो ये जो ट्रांजिशन है ना, ट्रांजिशन ये फेलियर कहलाएगा। ठीक, नॉट दिस टाइम, ये फेलियर नहीं है, फेलियर है वट एवर द रॉ, ऑब्वियसली द पॉइंट इन टाइम एंड फेलियर में कई दफ़ा वो कॉज भी शामिल होती है। व्हेन इट मूव फ्रॉम स्टेट ऑफ अकम्पलिशमेंट टू स्टेट ऑफ इंटरप्शन। बाय द वे हम ये टर्म्स क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि एसएलएस के असाउंडिंग अंदर क्लास स्टैंडर्ड रिलेशन टर्मिनोलॉजीज हैं। स्टेट ऑफ और आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और आप जब साइन करते हैं टू टू मेक अ प्रोडक्ट, देन यू यूज दीज टर्म्स क्वाइट फ्रीक्वेंटली। इसी तरीके से जब वो कॉज ख़त्म होती है और ये वापस टू से वन की तरफ जाता है, यानी कि इंटरप्शन से वापस एकम्प्लिशमेंट पे जाता है, तो ये जो है आपकी रेस्टोरेशन कहलाती है। तो फेलियर, रेस्टोरेशन, दीज आर वेरी पर्टिकुलर टर्म्स दैट हैव अ वेरी पर्टिकुलर मीनिंग, और ये लीगल इनकी वैल्यू भी होती है। दिस इज व्हिच आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट टू यू। आई डोंट नो हाउ मच दैट इज एन इशू इन पाकिस्तान, लेकिन ग्लोबली व्हेन यू आर, और आई डोंट नो इवन इफ मेनी ऑफ यू, मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स दे आर वर्किंग ऑनलाइन, आई नो स्टूडेंट्स हु आर वर्किंग ऑन हार्डवेयर एंड दे आर वर्किंग ऑन एम्बेडेड सिस्टम। सो इफ द प्रोजेक्ट इज लार्जर देन अ सर्टेन साइज, तो ये इन टर्म्स पे आपकी एग्रीमेंट होती है कि वॉट यू आर गोइंग टू डिलीवर। ठीक, तो आई होप द टर्मिनोलॉजीज आर क्लियर। अच्छा, तो ये प्लीज़, ये सारी टर्म्स हैं और ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एंड अगर आई थिंक दिस वेरी गुड गुड डेफिनेशंस। ठीक है, फेलियर इज व्हेन इट मूव्स फ्रॉम अकम्पलिशमेंट टू इंटरप्शन, रेस्टोरेशन इज जब वो इंटरप्शन से दोबारा अकम्पलिशमेंट की तरफ जाती है। रिलायबिलिटी क्या है, इज दिस द मेजर ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस अकम्पलिशमेंट, यानी कि इट्स अ मेजर ऑफ फॉर हाउ लॉन्ग डज ए सिस्टम वर्क कंटिन्यूसली विदाउट बीइंग इंटरप्टेड। अच्छा, अगर मैं टाइमलाइन बनाऊं, वे वन इज स्टेट ऑफ अकम्पलिशमेंट एंड टू इज स्टेट ऑफ इंटरप्शन, तो आप देखेंगे कि ऑन इस तरह की कुछ, आइडियली तो इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, राइट? तो बट यू विल सी के अ सिस्टम इज गोइंग टू बी इनवेरिएबली इंटरप्टेड एंड यू नो गो थ्रू फेलियर एवरी नाउ एंड देन। तो ये हमारे जो हैं वो कंटिन्यूस स्टेजेस ऑफ कंटिन्यूस सर्विस हैं। और अमूमी तौर पे जब हम डिपेंडेबिलिटी की बात करते हैं, तो हम ये नहीं कहते कि ये फेलियर, मतलब कह भी सकते हैं कहने, लेकिन हम लोग कहते हैं कि हम लोग बात कर रहे होते हैं रिलायबिलिटी के टर्म्स में, कि अगर मैं एक लार्ज इनफ इंटरवल पकड़ूं ऑफ टाइम रिलेटिव टू जॉब्स, राइट, तो मैं गारंटी दूंगा कि इसमें रेशियो जो है वो कंटिन्यूस सर्विस की कितनी होगी और रेशियो ऑफ इंटरप्शन की कितनी होगी। तो जो कंटिन्यूस सर्विस अकम्पलिशमेंट की रेशियो है, दैट इज़ गोइंग टू बी माई रिलायबिलिटी, एंड दैट इज बेसिकली अ मेजर फॉर डिपेंडेबिलिटी। इसी तरह से अवेलेबिलिटी क्या है, अब देखें ये लव्स अक्सर इस्तेमाल होते हैं और अक्सर स्टूडेंट्स को इनमें फ़र्क नहीं पता होता। डिपेंडेबिलिटी, फेलियर, रेस्टोरेशन, ये टर्म्स बहुत इस्तेमाल होते हैं। रिलायबिलिटी क्या है और अवेलेबिलिटी क्या है, ये दो अलग टर्म्स हैं।
अवेलेबिलिटी क्या है? इट इज द सर्विस अकम्पलिशमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ऑल्टरेशन बिटवीन टू स्टेट्स ऑफ अकम्पलिशमेंट एंड एन इंटरप्शन. अवेलेबिलिटी जो है वो इस चीज को मेजर करेगी, ठीक है? और एवरेज अवेलेबिलिटी जो है वो इस तरह की जितनी भी इंटरवल्स हैं उनको करेगी, ठीक है? मिसाल के तौर पर जो अगला वाला होगा वो यही अवेलेबिलिटी का टाइम, और फिर इस पॉइंट पे फेल हुआ, फिर इतनी देर के लिए अवेलेबल था, ठीक है? तो ये अवेलेबिलिटी के चंक्स है. एंड एवरेज अवेलेबिलिटी की जब बात करते हैं देन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग. रिलायबिलिटी फ़र्क है, अवेलेबिलिटी फ़र्क है. इसकी मैथमेटिकली भी हम देखते हैं कि वॉट द डिफरेंस इज, ठीक है? लेकिन दोबारा देख लें, इट इज द सर्विस अकम्पलिशमेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑल्टरेशन बिटवीन टू स्टेट्स ऑफ अकम्पलिशमेंट एंड वन इंटरप्शन. या ऐसे कह लें, इट इज द सर्विस अकम्पलिशमेंट अराउंड वन इंटरप्शन, ठीक? दैट्स योर अवेलेबिलिटी, हाउ अवेलेबल योर मॉड्यूल इज. तो ये टर्मिनोलॉजीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और बाय द वे दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. और ये टर्मिनोलॉजीज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मैंने इसे कहा ना कि अक्सर जो डॉक्यूमेंटेशन होगी, इवन के जो इवन अगर प्रोडक्ट है या कमोडिटी भी है और आप उसकी बाइंग इट ऑफ द शेल्फ सो टू स्पीक हाइपोथेटिकली, तो मेटाफोरिकली रादर, तो वो जो है इट्स स्टिल टॉकिंग अबाउट, इट्स गोइंग टू टॉक इन दीज टर्म्स, ठीक है? चलो आगे जाएं. तो अब रिलायबिलिटी के हवाले से हमारे पास ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, ठीक है? एक है मीन टाइम टू फेलियर, MTTF. ये तो रिलायबिलिटी का मेजर है. मीन टाइम टू रिपेयर, मीन टाइम टू रिपेयर क्या है? मीन टाइम बिटवीन फेलियर, मीन टाइम टू रिपेयर है के. अच्छा देखिए, ये मीन टाइम है ना, तो मीन टाइम टू फेलियर बेसिकली क्या चीज़ है कि लेट मी जस्ट विजुअली मेक इट फॉर यू, कि मैं ऊपर बना लेता हूँ, ऊपर बना लेता हूँ, कि हर कुछ टाइम के बाद, अब वो कुछ भी हो सकता है, आर्बिट्री टाइम, बहुत लंबा इंटरवल, छोटा इंटरवल, ठीक है? तो टाइम टू फेलियर क्या है कि इतनी एकम्प्लिशमेंट के बाद एक फेलियर आया, फिर इतनी एकम्प्लिशमेंट के बाद एक फेलियर आया, फिर इतनी एकम्प्लिशमेंट के बाद एक फेलियर आया. तो ये एक्चुअली इसका जो एवरेज टाइम होगा वो होगा मीन टाइम टू फेलियर, यानी कि ऑन एवरेज अगर इतना टाइम एकम्प्लिशमेंट में गुजरेगा तो यू कैन एक्सपेक्ट अ फेलियर, एंड फेलियर इज दिस लाइन, ठीक है? रिमेंबर दिस थिंग. तो ये मीन टाइम टू फेलियर है. और इसका इनवर्स जो है, मीन टाइम टू रिपेयर है, वो ये है कि अगर ये इंटरवल है, सॉरी इंटरप्शन अभी भी है, तो पहले एक इंटरप्शन के, एक्सक्यूज मी, इंटरप्शन के इतने देर के बाद, नॉट श्योर वट दिस इज, 12, इंटरप्शन के इतनी देर के बाद इतने देर के बाद फिर इतने देर के बाद पे फर्ज करें, यहाँ पे ऐसी एक इंटरप्शन लंबी थी इतने देर के बाद, तो जब यहाँ पे इंटरप्शन आई तो इतनी देर के बाद ये वापस गया टूवर्ड्स अकम्पलिशमेंट, फिर ये वापस गया टूवर्ड्स अकम्पलिशमेंट, ये तो वापस गया है, तो ये क्या है? ये जो टाइम है ये हम इसको टाइम टू रिपेयर कह रहे हैं. हम अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे रिपेयर स्टार्ट हो गई और इस जगह पे रिपेयर ख़त्म हो गई, यहाँ पे रिपेयर स्टार्ट हुई, इस पॉइंट पे रिपेयर ख़त्म हुई, यहाँ पे रिपेयर स्टार्ट हुई, इस पॉइंट पे रिपेयर ख़त्म हुई, और ये वापस, ठीक है? तो ये जो मीन टाइम है, दिस इज़ योर मीन टाइम टू रिपेयर, इनका सबका मीन, मीन टाइम टू रिपेयर इन सबका मीन, मीन टाइम टू फेलियर, ठीक? एक टर्म है मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स, वो क्या है? मीन टाइम टू फेलियर प्लस मीन टाइम टू रिपेयर, ये एक टर्म आएगी, ठीक है? और बेसिकली ये इस एवरेज को बता रही है, यहाँ से यहाँ तक एवरेज, ऑन एवरेज, कि ये बिटवीन फेलियर है ना, कि यहाँ पे स्टार्ट हुआ, फिर एक फेलियर आया, फेलियर ख़त्म हो गया, तो दिस इज़ योर मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स फॉर ऑल. तो तमाम मतलब जो MTF और MTR है, दिस इज द एवरेज ऑफ ऑल मीन टाइम टू फेलियर, ऑल मीन टाइम टू रिपेयर, और इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स. अवेलेबिलिटी जो टर्म है, नाउ दिस इज की, और ये हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ रहे थे वो बेसिकली इस टर्म की वजह से पढ़ रहे हैं, ठीक है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
ये अगेन आपके डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट, रिलायबिलिटी का कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट में होगा और अवेलेबिलिटी का कॉन्ट्रैक्ट में होगा। तो अवेलेबिलिटी क्या है? मीन टाइम टू फेलियर डिवाइड बाय मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स। ठीक है, दिस इज़ आई थिंक द सिंगल मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेट्स से रिलेशन इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेबिलिटी। ठीक, और एक टर्मिनोलॉजी है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं फेलियर इन टाइम, विच इज़ वन ओवर मीन टाइम ओवर फेलियर। ठीक है, तो फेलियर इन टाइम इज़ द रेट ऑफ फेलियर कह लें। ठीक है, तो वन ओवर मीन टाइम टू फेलियर, बिल्कुल से लिखा हुआ रेट ऑफ फेलियर्स विच हैज़ बीन नॉर्मलाइज टू आवर्स ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, तो मैंने कहा था ना लार्ज इंटरवल, अगर आपको याद हो, इफ यू रिमेंबर आई सेड लार्ज, तो द लार्ज कुड बी बिलियंस ऑफ आवर ऑपरेशन। ठीक है, एफ आई टी कैन बी क्वान्टिफाइड इन नंबर ऑफ वेज, 1,000 डिवाइसेज फॉर 1 मिलियन आवर्स और 1 मिलियन डिवाइसेज फॉर 1,000 आवर्स ईच। ठीक है, तो दिस इज नाउ ट्रांसेंडिंग ऑल्सो अक्रॉस डिवाइसेज, नॉट जस्ट वन डिवाइस बल्कि मेनी डिवाइसेज। सो वी आर टेस्टिंग मेनी डिवाइसेज, एंड सो इफ यू आर टेस्टिंग मिलियन डिवाइसेज फॉर 1,000 आवर्स ईच, तो वी कैन गेट सम काइंड ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो ये वो जो पैरामीटर्स हैं जो कि आपको, जब आप ये टेस्ट कर लेते हैं उसके बाद आपने गारंटी करने होते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो इतना डिपेंडेबल और इतना अवेलेबल होगा। अगर आपको ये फॉर्मूले याद हो तो यू कैन लुक इन टू दिस, दिस एन एग्जाम्पल, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल इज यूजिंग, पहले हम देख रहे हैं सिंप्लीफाइंग द असम्पशन दैट द लाइफ टाइम्स आर एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द फेलियर्स आर इंडिपेंडेंट। ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये इस एग्जाम्पल के लिए हमारी असम्पशन ये है कि हमारी जो फेलियर है वो इंडिपेंडेंट है। ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक फेलियर जो है वो दूसरी कंपोनेंट का फेलियर कॉज नहीं कर रही, या दूसरी, अब फेलियर से मुराद ये नहीं कि वो उसको ख़राब कर रही है, लेकिन हो सकता है कि ये अगर अनअवेलेबल होगी तो दैट विल कॉज अनअवेलेबिलिटी ऑफ अनदर कंपोनेंट, एंड दैट मे कॉज दी अनअवेलेबिलिटी ऑफ अनदर कंपोनेंट, एंड सो ऑन सो फोर्थ। मिसाल के तौर पर अगर सिस्टम बस जो है फॉर वॉट एवर रीज़न फेल हो जाती है, आई एम नॉट सेइंग कि जी इट डज, बट लेट्स से इट डज फॉर वॉट एवर रीज़न। ठीक है, तो इफ इट फेल्स देन इट्स गोइंग टू हैव अ कैस्केडिंग इफेक्ट, इट्स गोइंग टू कॉज फेलियर एवरीवेयर। ठीक है, बहरहाल तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर हमारी अजम्पशन ये है कि जी फेलियर्स इंडिपेंडेंट है। अब हमारे पास कंपोनेंट्स है, हमारे पास ये देखिए, एक ATA केबल है, एक फैन है, एक पावर सप्लाई है, एक कंट्रोलर है, और 10 डिस्क है, और हर एक की मीन टाइम टू फेलियर अलग है। तो इसमें आपने सीखना क्या है एक्चुअली, और ये एक नई एक्सप्रेशन है, इसमें जो की थिंग है वो ये, देखिए आपको मीन टाइम टू फेलियर पता लग गया। ठीक है, और आपको ये पता लग गया कि एक ATA केबल है जिसका मीन टाइम टू फेलियर ये है, इसका मीन टाइम टू फेलियर ये है, और इंडिविजुअल मीन टाइम टू फेलियर पता लग गए, लेकिन दे आर ऑल टुगेदर इन अ सिस्टम। और आपने क्या करना है, इन अ वेरी सिंप्लीफाइड मॉडल आपने पूरे सिस्टम की MTTF निकालनी है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक नया फॉर्मूला आप देखेंगे या नई एक्सप्रेशन है कि अगर ये सारी की सारी चीज़ें आपस में इंटीग्रेटेड हों तो पूरे सिस्टम की जो कंबाइंड MTTF है वो क्या होगी। ठीक है, तो ये देख लें, ये 10 से हमने इसको इसलिए मल्टीप्लाई किया कि हमारे पास ये वाली डिवाइसेस 10 हैं, इनकी तादाद 10 है, बाकी सबकी एक एक है तादाद। ठीक है, तो मीन टाइम टू फेलियर यानी हम बेसिकली फेलियर रेट ले रहे हैं, FIT। ठीक है, फेलियर इन टाइम ले रहे हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक, द MTTF ऑफ द सिस्टम इज जस्ट द इनवर्स ऑफ फेलियर रेट, बिल्कुल क्लियर है। तो MTTF ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, MTTF जो है वो है 1 ओवर फेलियर रेट, विच इज दिस वैल्यू, इसका इन्वर्स। ठीक, तो इसका इन्वर्स है तो आपके पास आ गया 43,500। ठीक है, जस्ट अंडर 5 ईयर्स। ठीक है, एंड दिस इज अंडर द अजम्पशन दैट ये अगेन ये अजम्पशन है कि ये इससे इंडिपेंडेंट है, ये इससे इंडिपेंडेंट है, ये आपस में इंडिपेंडेंट है, यानी कि इसका फेलियर दूसरे को भी कॉज नहीं करता फेलियर, विच इज नॉट ट्रू इन द रियल वर्ल्ड बाय द वे ऑब्वियसली। ठीक है, तो अच्छा ये भी इंटरेस्टिंग वो है, इस पे देख लें,
कि दिस सब सिस्टम्स हैव रिडंडेंट पावर सप्लाईज टू इम्प्रूव डिपेंडेबिलिटी। ठीक। अच्छा, जब हम रिडंडेंट पावर सप्लाई की बात कर रहे हैं तो देयर इज नाउ अ रिलेशनशिप कमिंग। रिडंडेंट का मतलब क्या होता है कि मेरे पास फर्ज करें 10 कंपोनेंट हैं, ठीक है, ए बी सी और डी। ठीक है, मैं कहता हूँ कि डी मेरा बहुत सेंसिटिव है या बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं क्या करता हूँ एक और डी इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो ये मेरा ये डी आर है, रिडंडेंट। तो ये ए है और ये मेरा बी है, लेट्स से। तो मेरा ए भी काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है, सी, इन सब की एम टी टी एफ वैल्यूज भी हैं। लेट्स से कि इसकी जो एम टी टी एफ है बहुत लो है या वट एवर, या मे बी दिस इज क्रिटिकल। तो मैंने क्या किया, एक रिडंडेंट कंपोनेंट है, तो इसकी भी कोई एम टी टी एफ होगी, ठीक है, और इसकी एग्जैक्टली वही एम टी टी एफ होगी। ठीक है, ऑब्वियसली दे आर द सेम कंपोनेंट्स, मैंने दो लगाए हुए, लेकिन ये मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा। लेकिन होगा क्या कि जब ये फेल करेगा तब मैं इसको यूज करूंगा। ऐसे ही ये बात प्लीज समझें। रिडंडेंट कंपोनेंट क्या है कि जब ये फेल होगा तो रिडंडेंट कंपोनेंट इसको रिप्लेस करेगा। तो अगर मुझे पता हो कि ऑन एवरेज ये डिवाइस हर 100 घंटे के बाद फेल करती है फॉर 20 मिनट्स या 10 मिनट्स, तो 100 घंटे के बाद 10 मिनट के लिए फेल करती है, तो इस इंटरवल में क्या होगा, ये चीज़ इस्तेमाल हो रही होगी। यानी कि वो चीज़ एक्चुअली वो डिवाइस तो फेल कर रही होगी, लेकिन सिस्टम के अंदर ये फेलियर जो है नज़र नहीं आती है। स्विचिंग टू रिडंडेंसी जो है इसकी ओवरहेड है, हम अज्यूम करेंगे कि नहीं। ठीक है, तो इसको पढ़ें कि दिस सब सिस्टम्स ऑफन हैव रिडंडेंट पावर सप्लाईज टू इंप्रूव डिपेंडेबिलिटी यूजिंग प्रीसीडिंग कंपोनेंट्स एंड एनटीटीएफ। कैलकुलेट द रिलायबिलिटी ऑफ रिडंडेंट पावर सप्लाईज अज्यूमिंग दैट वन पावर सप्लाई इज सफिशिएंट टू रन द दिस सब सिस्टम। ठीक है, हमें दो की जरूरत नहीं है, हम एक वक्त में एक चला सकते हैं। ठीक, तो जो दूसरी पावर सप्लाई है उसकी हमें दो की जरूरत नहीं है, वो दूसरी क्या है, रिडंडेंट है। तो जी चलें, क्या अज्यूम करें कि लेट्स अज्यूम दैट लाइफ टाइम कंपोनेंट्स आर एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड, देयर इज नो डिपेंडेंसी बिटवीन कंपोनेंट फेलियर। एम टी टी एफ फॉर रिडंडेंट पावर सप्लाई, द मीन टाइम अंटिल वन पावर सप्लाई फेल्स डिवाइडेड बाय द चांस दैट द अदर विल फेल बिफोर द फर्स्ट वन इज रिप्लेस्ड। ठीक है, ऑब्वियसली डिवाइड बाय द चांस दैट द फर्स्ट, क्योंकि आप क्या चाह रहे हैं कि पहली वाली फेल हुई एंड आपका एक्चुअल फेलियर क्या होगा, कि फर्ज करने के ये इंटरवल इसका इतना कम ज्यादा है, इसकी फेलियर का इंटरवल इतना ज्यादा है कि यहाँ पे ये भी फेलियर भी हो, सॉरी, इसका मीन टाइम टू रिपेयर इतना ज्यादा है। अब ये डिपेंड करेगा मीन टाइम टू रिपेयर पे। ठीक है, तो लेट्स से के डी ओ का मीन टाइम टू रिपेयर है एक्स, और मीन टाइम टू रिपेयर इज एम टी टी आर इज लार्जर देन एम टी टी एफ। तो फिर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जब इसकी एम टी टी एफ रीच करेगी तो फिर सिस्टम वाकई ये एक्चुअली ये चल रहा, तो ये रिप्लेस हो गया रिडंडेंट। लेकिन अभी इसने इसको रिप्लेस नहीं किया, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी बाय वर्च्यू ऑफ एवरेजेस के ये वाली डिवाइस फेल कर जाएगी बिफोर दैट, एंड 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 देन यू वुड हैव एन एक्चुअल अनअवेलेबिलिटी ऑन द सिस्टम। ठीक, बात ये कह रहा है। तो अब इस चीज़ को समझ के दोबारा देख लें कि एम टी टी एफ फॉर आवर रिडंडेंट पावर सप्लाई इज द मीन टाइम अंटिल वन पावर सप्लाई फेल्स डिवाइडेड बाय द चांस दैट द अदर विल फेल बिफोर द फर्स्ट वन इज रिप्लेस्ड। और ये जो बिफोर द फर्स्ट वन इज रिप्लेस्ड है, ये है मीन टाइम टू रिपेयर। ठीक, दस इफ द चांस ऑफ अ सेकेंड फेलियर बिफोर रिपेयर इज स्मॉल एंड देन द एम पी टी एफ ऑफ द पेयर इज लार्ज, दोनों का पेयर ज्यादा होगा। जैसे मैंने कहा ना कि अगर एम टी टी आर छोटा होगा तो एम टी टी एफ लार्ज होगा, और इसका वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, तो मीन टाइम अंटिल वन सप्लाई फेल्स इज एम टी टी एफ पावर सप्लाई डिवाइड बाई टू, और फिर अप्रॉक्सीमेटली ऑफ सेकेंड फेलियर इज एम टी टी आर डिवाइड बाई एम टी टी एफ ऑफ द पावर सप्लाई ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ द पावर सप्लाई। ठीक है, तो एम टी टी एफ ऑफ द पावर सप्लाई पेयर, यानी कि अगर मुझे पता है कि ये एक जोड़ा है मेरे पास, तो इसको मैं एक यूनिट समझ रहा हूँ। जैसे कि मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ ये एक यूनिट है, एक्सक्यूज मी, ये चीज़ एक यूनिट है जिसके अंदर दो कंपोनेंट्स हैं जो रिडंडेंट, मतलब उनमें एक रिडंडेंट है। तो ये इंटरनली क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है इनफैक्ट कि जब तक ये काम कर रहा है तो ये काम कर रहा है, और अगर ये फेल हो जाता है तो ये उसको रिप्लेस कर देगा, और आइडियली
इसके फेल होने से पहले ये वापस रिपेयर हो जाएगा। ठीक, तो इस बॉक्स की, इस ब्लैक बॉक्स की जो मीन टाइम टू फेलियर है वो क्या होगी, वो ये होगी। ये एक्सप्रेशन देख लें, ठीक है। अगेन इसकी मैं मैथ्स में और डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा। आगे एक एग्जांपल है जिसके अंदर उन्होंने इसको अप्लाई किया है और ये डिस्कस किया कि आपका एक रिडंडेंट कंपोनेंट रिडंडेंसी की वजह से, इनफैक्ट इन्होंने क्या किया कि जो पिछला वाला सिस्टम था उसी को उन्होंने दोबारा से नकलशात किया है, यानी ठीक है। बारे आप ये देख लें, तो मैथ्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप लोगों की इतनी मैथ्स आती है। ठीक, अच्छा, तो परफॉर्मेंस की अगर हम बात कर रहे हैं, परफॉर्मेंस क्या चीज़ है, रिस्पॉन्स टाइम और थ्रूपुट, ठीक है, लेटेंसी एंड थ्रूपुट। तो इंक्रीज इन परफॉर्मेंस क्या होती है, स्पीड अप, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि अगर मैं, और ये बाय द वे ये मेरी स्पीड अप जो है वो थ्रूपुट में भी हो सकती है, लेटेंसी में भी हो सकती है, ठीक है। ऑब्वियसली ये एग्जीक्यूशन टाइम जो है मेरी लेटेंसी को रिप्रेजेंट कर रही है, परफॉर्मेंस जो है मेरी थ्रूपुट को कर रही है, ठीक है। नाउ इसका क्या मतलब है कि अगर मैं लेटेंसी के टर्म्स में बात करूँ, ये सामने दिया हुआ है एक्चुअली ये वाला एक्सप्रेशन, कि एक डिवाइस थी जो स्लो चलती थी वो अब तेज चलना शुरू हो गई है, इनका आपस में जो रेशियो है ये एन है, और एन इज टेलिंग मी के द रेशियो बाय विच इट हैज स्पेड अप, ठीक। तो इट्स गोइंग टू गिव मी ए सम काइंड ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, विच इज गोइंग टू बी अ परसेंटेज ऑफ दिस स्पीड। और परफॉर्मेंस में ऑब्वियसली ये चीज़ होगी, एग्जीक्यूशन टाइम जितना बेहतर होगा उतना कम होगा, और परफॉर्मेंस जितनी बेहतर होगी उतनी ऊपर जाएगी, ठीक है। मैं बात करूँ ये इंडिविजुअल वैल्यूज़ की, तो हमेशा जो है परफॉर्मेंस एक्स जो है वो बड़ी वैल्यू होगी, परफॉर्मेंस वाई जो है वो छोटी होगी, और इसी तरह से वाइस वर्सा, ठीक। एग्जीक्यूशन टाइम का यहाँ पे जिक्र आया, तो एग्जीक्यूशन टाइम में क्या शामिल होता है, वॉल क्लॉक टाइम है और सीपीयू टाइम है, ठीक है। तो कंप्यूटेशन टाइम भी है और तमाम ओवरहेड, सिस्टम ओवरहेड्स इसमें शामिल है एग्जीक्यूशन टाइम में, ठीक। और इस तरह के जो एग्जीक्यूशन टाइम्स हमने कैलकुलेट करने होते हैं, अमूमी तौर पे हम लोग मुख्तलिफ बेंचमार्किंग मैट्रिसेस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये अगेन ये एक अलग एक डिस्कशन है, मैं भी इसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन बेंचमार्किंग की जाती है और अमूमी तौर पे कंपैरेटिव होती है, ठीक है, विद द ओल्डर सिस्टम एंड न्यू सिस्टम, या कंपैरिजन बिटवीन टू सिस्टम्स, या लेट्स से कि ओल्डर वर्जन एंड न्यूर वर्जन, इन एनी केस इट्स अ कंपैरिजन बिटवीन टू वर्जन्स, दे मे बी डिफरेंट प्रोडक्ट्स, दे मे बी डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द सेम प्रोडक्ट या डिफरेंट जनरेशन ऑफ द सेम प्रोडक्ट, और एक ही प्रोग्राम के ऊपर चलाया जाता है और फिर देखा जाता है कि उसकी स्पीड अप क्या है, उससे हम एग्जीक्यूशन टाइम निकालते हैं, उससे हम परफॉर्मेंस की वैल्यू निकालते हैं और एन की वैल्यू निकालते हैं, और एन इज गोइंग टू टेल मी हाउ मच फास्टर दी अदर डिवाइसेस, ठीक है। और स्पीड बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम देखेंगे। ये सारी सारी जो टॉपिक्स हैं ये मैंने कहा ना एक ओवरव्यू है, ये हम आगे डिस्कस सब चीज़ें हमें इनफैक्ट डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स लेट्स स्किप दिस थिंग, लेट्स आई जस्ट शेयर द स्लाइड, लेकिन लेट्स स्किप दिस डिस्कशन, ठीक। इसको भी हम बाद में देखेंगे इन डिटेल। ये आखिरी चीज़ जो है मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, विच इज़ बेसिकली योर अमडाल्स लॉ, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि अमूमी तौर पर जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो हमें ये अप्रिशिएट करना होता है कि मल्टीपल कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल है। तो मोस्ट पीपल ओनली फोकस ऑन प्रोसेसिंग, यानी कि अमूमी तौर पर हमारी जो डिस्कशन होती है वो ये होती है कि जो प्रोसेसर है वो कितना तेज़ है, और हम बात कर रहे होते हैं स्पीडअप की, जब हम बात कर रहे होते हैं स्पीड अप की, तो हम अमूमी तौर पर सिर्फ सीपीयू टाइम के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, तो हम वॉल क्लॉक टाइम को नहीं देख रहे होते हैं, और ये सारे के सारे ओवरहेड्स जो है ना वो आउटसाइड द सीपीयू हैं। कई दफ़ा बाय द वे जो बॉटल नेक होती है वो वॉल क्लॉक टाइम में होती है, ठीक है। लेकिन हम अमूमी तौर पर ट्रेडिशनली वी एज वी फोकस ऑन सीपीयू टाइम और इम्प्रूवमेंट्स इन द सीपीयू। तो एक्चुअली कॉमन सेंस ये कहती है कि पहली बात तो ये है कि बहुत सारी और चीज़ें भी हैं
एसोसिएटेड जिनकी अंदर इम्प्रूवमेंट होती है, और वो जो इम्प्रूवमेंट है वो कंट्रीब्यूट कर रही होती है टू दिस स्पीड अप इन द होल कंप्यूटर, ठीक है। और ये कॉमन सेंस पॉइंट है क्या है कि वी कैन अंडरस्टैंड, मेरा ख्याल है कि 40% परफॉर्मेंस गेन ऑन वन कंपोनेंट वुड नेवर ट्रांसलेट इनटू 40% गेन इन द कंप्यूटर परफॉर्मेंस। ये बात क्लियर है आई होप। हो सकता है एक कंपोनेंट 100% भी, बल्कि 300% भी परफॉर्मेंस गेन कर ले एक कंपोनेंट। मिसाल के तौर पे अगर आप एक हार्ड ड्राइव को रिप्लेस करते हैं दूसरी हार्ड ड्राइव से, और वो पिछली हार्ड ड्राइव से, पहली हार्ड ड्राइव आपकी आईडी मतलब वो थी मैग्नेटिक थी, अगली हार्ड ड्राइव आपकी जो है वो सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव है, एसएसडी है, ठीक है, तो देयर इज अ मैसिव परफॉर्मेंस गेन। बट डज दैट ट्रांसलेट इनटू एन इक्वली लार्ज गेन इन योर यानी ओवरऑल कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस? नो इट डज नॉट। ठीक, तो आमडोल लॉ क्या कहता है कि वो चीज़ को क्वान्टिफाई करना चाहता है, क्वान्टिफाई द स्पीड अप इन अ कंपोनेंट विद स्पीड अप ऑफ अ कंप्लीट सिस्टम, ठीक है। यानी कि इफ आई वॉन्ट टू लुक एट द स्पीड अप ऑफ अ कंपोनेंट एंड हाउ दैट इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू द होल सिस्टम, दैट्स वेयर आमडोल लॉ कम्स इन। और वो क्या है कि एस इज इक्वल टू वन ओवर वन माइनस एफ प्लस एफ स्लैश के, जिसमें एस जो है वो आपका ओवरऑल स्पीड अप है पूरे सिस्टम का, के है स्पीड अप। और आई होप कि अब आपको याद होगी हमने सब अलग अलग डिस्कस किया कि स्पीड अप के फॉर्मूले, एन एन जो वैल्यू थी जो पिछले एक्सप्रेशन में, मेरे ख्याल में इसको चेंज कर दूंगा टू एन एन ऑफ द कंपोनेंट, ये के जो है, और एफ इज द फ्रैक्शन ऑफ वर्क द फास्टर कंपोनेंट परफॉर्म्स। ये एफ भी बड़ी इंटरेस्टिंग वैल्यू है, इट्स नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड। बहरहाल लेट्स से कि इफ वी पुट अ नंबर वैल्यू ऑन द फ्रैक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ अ कंपोनेंट, ठीक है। तो इसकी मिसाल आप ऐसे ले लेना कि एफ आई पी पे आप लोग काम कर रहे होंगे ग्रुप्स में, तो ग्रुप में कोई एक बंदा ऐसा होता है जो कि तकरीबन सारा काम कर रहा होता है, और एक बंदा ऐसा होता है जो तकरीबन थोड़ा सा हेल्प कराता है, थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन कर ली, वर्ड पे कर लिया। एक आपका मेंबर ऐसा होगा जो कि कहता है कि जी मैं पैसे दे दिया करूँगा और चाय पानी, जब भी हम मिलेंगे तो जनाब घर, मेरे घर पे मीटिंग होगी, मेरे घर पे मीटिंग करेंगे और मैं चाय पानी का अच्छा इंतज़ाम करूँगा, ठीक है। तो जो ये तीसरा मेंबर है आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का, अगर इसकी परफॉर्मेंस जो भी इसकी परफॉर्मेंस है वो अचानक डबल हो जाए, बिल्कुल ट्रिपल हो जाए, तो इससे आपकी प्रोजेक्ट की स्पीड में कितना फ़र्क पड़ेगा कि आपका प्रोजेक्ट जो है जो कि एक साल में ख़त्म हो रहा था वो क्या 6 महीने में ख़त्म हो जाएगा। तो ये इस तरह की चीज़ है कि डिपेंडिंग ऑन व्हाट द कंपोनेंट इज एंड हाउ मच स्पीड अप इज यू नो हैपनिंग इज गोइंग टू अफेक्ट ऑब्वियसली द होल थिंग, ठीक। तो आमडोल लॉ जो कोट अनकोट स्टेट करता है वो ये, द परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट टू बी गेन फ्रॉम यूजिंग सम फास्टर मोड ऑफ एग्जीक्यूशन इज लिमिटेड बाय द फ्रैक्शन ऑफ द टाइम द फास्टर मोड कैन बी यूज। यानी कि उस कंपोनेंट को हम टाइम के परस्पेक्टिव में कितना इस्तेमाल करेंगे, कितनी कंट्रीब्यूशन होगी उसकी इन इन टर्म्स ऑफ टाइम, ठीक। और ये कुछ एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन देख लें, मेरा ख्याल इस पर आज खत्म करते हैं। वो ये है कि द परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट टू बी गेन फ्रॉम यूजिंग, ये है एग्जीक्यूशन टाइम न्यू इज इक्वल टू एग्जीक्यूशन टाइम ओल्ड इन टू वन माइनस फ्रैक्शन एनहेंस्ड प्लस फ्रैक्शन ऑफ, ये उसी फॉर्मूले की बेसिकली थोड़ा सा वो है, लेट्स से एक फॉर्म है एग्जीक्यूशन टाइम के परस्पेक्टिव से, ये स्पीड अप के हिसाब से। तो ये आप देख लीजिएगा फॉर्मूला, मेरा ख्याल है आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस फॉर्मूला, मेरा ख्याल है आज की लेक्चर 5B के लिए हम इसको यहीं पर रखते हैं, एंड ठीक है, विल डिस्कस दिस ओवर द वीक। थैंक यू, मेरा ख्याल है ये आज के लिए काफ़ी है, बहुत शुक्रिया।